पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सिद्धू को लेकर तमाम तरह की खबरें हर बीतते दिन के साथ जोर पकड़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसी परिस्थितियों के बीच इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू के मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार होने पर बड़ी खबर सामने आ गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के दरमियान कांग्रेस पार्टी सिद्धू पर दांव लगाकर मुख्यमंत्री पद पर प्रबल दावेदार के रूप में उन्हें आगे कर सकती है। और इन सब के बीच में कांग्रेसी सूत्रों की माने तो नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली की कमान सौंपने की बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चलाई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ही चाहती हैं कि अब दिल्ली का दिल नवजोत सिंह सिद्धू के जिम्मे दे दिया जाए। दरअसल सिद्धू को प्रियंका गांधी के विश्वस्त लोगों में शुमार किया जाता है, उन चुनिंदा लोगों में जिनमें प्रियंका गांधी वाड्रा भरोसा करती है। माना जाता है कि राहुल गांधी भी सिद्धू को काफी पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद जब एक बार ये चर्चा चल रही थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी में जाएंगे, तब आम आदमी पार्टी में जाने से सिद्धू को रोकने और कांग्रेस के साथ जोड़ने में अहम भूमिका प्रियंका गांधी वाड्रा ने निभाई थी। कभी पंजाब की राजनीति से दूर किए जाने की बात करके बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि प्रियंका के साथ सिद्धू के संबंध काफी ज्यादा मधुर हैं। अब इन सबके बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं से नवजोत सिंह सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावनाओं के बारे में बातचीत की गई और इन तमाम नेताओं ने कहा कि अगर इस दिशा में बात आगे बढ़ती है तो प्रदेश स्तर पर इसका विरोध भी हो सकता है। इस बारे में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के एक पदाधिकारी साफ तौर पर कह देते हैं, पंजाब से भी सिद्धू की कार्यशैली के बारे में यही जानकारी मिलती है कि वो सबको एक साथ लेकर चलने वाले नेता नहीं है। ऐसे में जितने भी नेता दिल्ली प्रदेश की राजनीति में पहले से हैं, उनमें से कुछ सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के पार्टी के फैसले के खिलाफ हैं। लेकिन इन सबके बीच में एक बात ये भी है कि अगर ये कोशिश प्रियंका गांधी या राहुल गांधी करते हैं तो कोई भी नेता इसका विरोध सीधे तौर पर नहीं करेगा, लेकिन इस वजह से कुछ पुराने नेता चुनावों में अपनी सक्रियता कम कर देंगे। इसका परिणाम ये हो सकता है कि सिद्धू के पार्टी में आने से जितना पार्टी को फायदा होगा उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि कई पुराने प्रदेश कांग्रेस के नेता कम सक्रिय होने के बात कह चुके हैं। यानी सिद्धू को दिल्ली लाने की पूरी योजना इस बात पर टिकी है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस योजना पर कितनी मजबूती से टिका रहता है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर आपको बता दें, इस मुद्दे पर कोई कंफर्म फैसला अब तक नहीं हुआ है। सवाल के जवाब में कांग्रेस के ही एक पदाधिकारी कहते हैं कि इस समय पार्टी सिर्फ और सिर्फ नए अध्यक्ष के चुनाव पर मंथन कर रही है। नेतृत्व के स्तर पर कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ेगी फिलहाल सबको यही तय करना है, लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू पर पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए दांव लगाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी को बड़े नेताओं की, वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।